दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है पीजी सेमेस्टर वन का है, जो CC3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ये देखिए सेशन 23-25 का है और पेपर ID 21043। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ये इंस्ट्रक्शन है। एंड द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स और सम आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड। अब देखिए फुल मार्क्स जो है 17 की, ग्रुप ए से में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 10 रहते हैं, और ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो इवेल्यूएशन है वो 2 मार्क्स का होता है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इम्प्लांट इन, अब उसके ऑप्शंस है, आप ऑप्शन देखें। एजुलिन क्या है, नंबर ऑफ मेसो आइसोमर्स ऑफ टॉटरिक एसिड कितनी है, स्पायरेंस कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी वेन, क्या है कि स्पायरेन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। बेसिक हाइड्रोलिसिस अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनेट आयन इज ए क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ, किसा है, SN1 का, SN2, SNI या NGP का है। बेंजीन अंडरगो डाइमराइजेशन टू फॉर्म क्या बनाता है, AC1 रिएक्शन डू नॉट अकर्स किस में नहीं पाया जाता है। द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज कितना होता है, अकॉर्डिंग टू हैमंड पोस्टुलेट द नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन इज ऑलवेज कितना होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच अंडरगो बीटा एलिमिनेशन इन कोप एलिमिनेशन, कौन सी कंपाउंड बीटा एलिमिनेशन से जाएगी। तो आप इसको बनाएंगे, एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरा आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया। अब आपको ग्रुप बी से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, किसी 4 का आंसर करना है, पांचवा नहीं कीजिएगा, है ना, 4 से कम भी कर सकते हैं, जितना याद हो उतना कीजिए, लेकिन 4 से ज़्यादा आप नहीं कीजिए। तो 4 × 5 × 4 जो ये 4 क्वेश्चन है, एक की वैल्यू 5 है, तो 20 मार्क्स के हो गए। तो एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट वेनाइलिक कार्बन, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हैमंड पोस्टुलेट, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, एक्सप्लेन इवन सीवी मैकेनिज्म विद एग्जांपल, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोइंग कंपोनेंट्स आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सेम एज ग्रुप सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस ग्रुप से आपको आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं, और जिसका एक क्वेश्चंस की वैल्यू 10 मार्क्स की होगी। तो आप 7, 8, 9 क्वेश्चंस है इसमें, जैसे 7वां क्वेश्चन है, राइट स्टेटमेंट मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोइंग, कोप एलिमिनेशन एंड सोमलेट हाउजर रिएजेंट। 8वां क्वेश्चन है, डिराइव हैमेट इक्वेशन टू कोरिलेट द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिएक्शन कॉन्स्टेंट। एंड 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर इनुलिन्स, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ सिंथेसिस एंड टाइप्स ऑफ इनुलिन, एंड इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। और 10th क्वेश्चन है, डिस्कस ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ बाइफिनाइल। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ARSN2, एंकीमेरिक असिस्टेंट एंड लाइन सब्स्टिट्यूशंस। तो इसमें से आपको 7, 8, 9, 10, 11 में से कोई 3 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना था, और इसमें से 4, और ग्रुप ए का सभी क्वेश्चन कंपलसरी।